हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर से आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के सर्वर वर्ल्ड में, और ये सर्वर वर्ल्ड अब से मेरा फेवरेट सर्वर वर्ल्ड बन गया है, इसलिए मैं इसकी डेली वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, मुझे पता नहीं, आज मैं थोड़े अधूरे काम पूरे करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ देखो चार नहीं तीन लगाए हैं मैंने, ये मोड क्या इसे मोड या रिसोर्स पैक लगाया है, उसमें एक इनविजिबल टच है और ये एडवांसमेंट पैक और म्यूजिक वाला लगाया है। तो अब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी रात हो रही है तो मैं सो जा लेता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, तो मैं यहाँ एक्सपी फार्म के पास आ चुका हूँ। अब यहाँ से बहुत सारे मॉब्स को मार कर मैं मार लेने वाला हूँ एक्सपी। तो इसे मार दिया, अब आगे जाके, अरे नहीं ये क्या, ये अभी फटने वाला था, अभी मैं फटने वाला था तो इसे मार लेता हूँ। गाइस तो मैं आ चुका हूँ यहाँ अपने एन्चेंटिंग रूम में, और यहाँ मैंने एक ग्राइंड स्टोन लगा दिया है जिसे डीसी एन्चेंटिंग में कर सकूँ। अब मैं लाया हूँ, यहाँ लेने आ गया हूँ मैं यह क्या एनविल लेने आ गया हूँ, और यहाँ ऐसे एनविल लगा दिया है। अब यहाँ हम बुक्स को एन्चेंटमेंट कर सकते हैं बुक्स से, इसे मार के थोड़ी ज़्यादा एक्सपी ले लेते हैं, और फिर हमें डीसी एन्चेंट करके स्वॉर्ड को फिर इंचेंट करेंगे। देखते हैं अगली बार तो अच्छा कुछ मिलना ही चाहिए, पिछली बार एक्सपी नहीं थी इसलिए फायर एस्पेक्ट लिया था, लेकिन इस बार तो बहुत सारी एक्सपी की है। यहाँ से लैपिस भी ले लेता हूँ क्योंकि लैपिस भी हमें काम आने वाली है। तो यहाँ से लैपिस ले ली, अब यहाँ रखते ही लैपिस। अब यहाँ, अरे ये क्या, डायरेक्ट क्लिक ही हो गया, देखा भी नहीं। ओह ये क्या, इतना सारा, इतनी सारी इंचेंटिंग, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैंने बिना देखे ही टच कर दी और मुझे इतनी सारी इंचेंटिंग मिल गई। अनब्रेकिंग 3, शार्पनेस 3, लूटिंग 2, फायर एस्पेक्ट 2, नॉकबैक 2, इतनी सारी इंचेंटिंग में कितना लक्की होगा। तो अब इसे इस क्रीपर फार्म, ये क्रीपर नहीं फार्म पर टेस्ट किया देता हूँ, दिखता है क्या क्या मिलता है। ये देखो ये तो एक ही झटके में मर जा रहे हैं, पहले दो दो तीन तीन झटके में मरते थे, झटका नहीं सॉरी ये फटके में। अब यहाँ से मैं सारे शुगर कैन कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। गाइस तो मैंने सारे शुगर कैन कलेक्ट कर ली है, और ये देखो ये इतनी सारी शुगर कैंस मिले हैं मुझे, स्टैक के स्टैक भर भर के मिले हैं, और मैं अब मुझे कोई कमी नहीं होगी इनकी, शुगर कैंस की। अरे नहीं ले लो ले लो ले लो। गाइस हमारे एक्सपी फार्म में बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो, इसलिए मैं यहाँ आधे घंटे तक एएफके करने वाला हूँ, तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो गाइस मैं आधा घंटे से यहाँ था, और मुझे अब देखते हैं कितने एक्सपी फार्म में हमें मिलते हैं मॉब। ये देखो कितने सारे मॉब हो गए हैं, तो अब इसे मारने वाला हूँ और हमें अब देखते हैं क्या मिलता है। ये देखो गाइस कितने सारे एक्सपी मिल रही है, मेरे एक्सपी कितने अभी बहुत लेवल पे लेवल हो गई है मेरी, एक दो तीन लेवल बढ़ गई। तो ऐसे ही हमें एक्सपी चाहिए थी। इस चेस्ट में पोशन ऑफ इंस्टेंट हेल्थ मिला है। गाइस मेरे पास डायमंड थे, उसके मैंने ये आर्मर देखो बना दिया है, और उसमें से मैंने ये चेस्ट प्लेट, और ये देखो इसमें कितनी सारी इंचेंटिंग भी है, और उस वो मैंने आर्मर से ख़रीदा है, और ये दो तीन चीज़ें मैंने हाथ से डायमंड से बनाई है, और ये देखो ये भी मैंने बनाया है, उस पर इंचेंटिंग भी की है। मैं वीडियो ही शूट करना भूल गया था, लेकिन मैंने ये बनाया है तो ऑफ कैमरा में तो बनाया ही मैंने। ये देखो शार्पनेस 5 और इफेंसेंसी 5 वाली मुझे एक्स मिल गई है, तब इसे पहन लेते हैं। यहाँ मेरे पास तीन बुक पड़ी है, अनब्रेकिंग की 2 और ये काको इन्फेंट्री की। तो अब यहाँ से इसे वो चेस्ट प्लेट पर लगा देते हैं और लैंग्वेज पर भी लगा देते हैं। ओके गाइस तो मैंने सब कुछ इंचमेंट कर दिया है, अब इसे पहनने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैं बूट से करने वाला हूँ शुरुआत। तो पहला मैंने बूट पहना, अब पहनते हैं लैंगीज, तो ये पहनी लैंगीज। अब पहनते हैं चेस्ट प्लेट, तो ये चेस्ट प्लेट रही है। तो पहली चेस्ट प्लेट और हेलमेट। अब देखो हमारा आर्मर फुल हो गया है, मैं इसमें कितना अच्छा लग रहा हूँ, देखो अब तो मैं पावरफुल हो गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तो पावरफुल हो गया हूँ। चलो इसे भी मारता हूँ, ये भी मेरा कुछ नहीं कर सकते है, देखो अभी अभी मर गए। और तू जा यहाँ क्या कर रहा है, ये देखो ये तो सच में चला गया डर के मारे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। और मैंने TNT भी थोड़े बनाए थे वहाँ से लेके, तो उसके यूज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।